अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद। वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, शायद पहले भी कोई एक आध व्लॉग बनाया हो इस तरह कि इतनी सुबह उठा हुआ हूँ मैं। तो 8 बजे हैं अभी, अभी मेरी क्लास का टाइम ही नहीं हुआ। बाय द वे मेरी आज क्लास नहीं है क्योंकि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होते हैं, तो 2 दिन में छुट्टी होती है, यानी कि जुमेरात और जुम्मा छुट्टी होती है। बाकी अभी उठा हूँ तो भाई ने बुलाया, पता नहीं किस लिए बुलाया है, कहीं जाना है काम हमने, तो वो तो तरीके जाकर भाई से पूछते हैं कि क्या काम है, किधर जाना है। तो अभी मैंने नाश्ता किया है, नाश्ता क्या किया है जी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा जी, साग था और साथ में पराठे थे, और ये जलेबी बड़ी हुई है, और ये लस्सी है। जलेबी मैं रात को लेके आया था मेले से, तो मैंने खाई नहीं, वैसे ही बड़ी है, ठंडी हो गई है। बाकी ये फ्रूट्स पड़े हैं, ये मैं अक्सर खाता रहता हूँ रात को, क्योंकि लेट तक मैं जागता रहता हूँ, तो फिर फ्रूट भी साथ साथ खाते रहते हैं। तो अभी चलते हैं भाई की तरफ और पूछते हैं कि क्या काम है, इतनी सुबह सुबह मुझे जगा लिया आपने, और देखते हैं पर जो काम है वो करके आएंगे इंशाल्लाह। ये जी हमारी बिल्ली, इसको कोई डर नहीं है। ये भाई अभी चाय पी रहे हैं और मैं आ गया हूँ नाश्ता भी करके। मुझे नाश्ता करने भेजा, खुद अभी तक नाश्ता नहीं किया। किधर जा रहे हैं फिर, मुझे तो बताया ही नहीं आपने। यार ना, हमने ना जब गाड़ी ली थी ना, तो किससे ली थी, उस बंदे ने ये कहा था कि इसकी ना मैंने सर्विस क्यों नहीं करवाई, सर्विस करवानी है। अब हमें ये नहीं पता कि सर्विस में क्या होता है, मतलब क्या कैसे सर्विस होती है। अच्छा, तो ले जाते हैं किसी मैकेनिक शिकेनिक के पास, उसको कहते हैं इसकी सर्विस कर दे दो, बस मुझे दे देनी है कि सर्विस कर दो। सर्विस कर दो, पता नहीं वो करते। ये उसने बताया था कि 3500 के लगभग होगी, अब हमने 3500 से ऊपर भी देने, जो भी वो करता है उसकी मर्जी है। तुम क्या भी जा रहे हैं, सही हो। ये गाड़ी बस यारों मददगार खड़ी है सारी, वो ना बाहर खड़ी रहती है तो शबनम के कतरे गिरते रहते हैं, रात को सर्दियां आपको पता धुंध पड़ती है। तो ये देखें, ये इस तरह का कोई सीन हुआ खड़ा है इसका, इसके लिए कपड़ा भी लेना पड़ेगा। ये दोनों शहजाद शहजादे साहब सुबह सुबह उठ के क्या देख रहे हो? हाँ, लो जी, तो गाड़ी आती ही मैंने गाड़ी साफ करना स्टार्ट कर दिया है। पानी खड़ा हुआ तो सारा ऊपर, सीखनी भी तो है ना फिर। या साफ तो कर दिया हमने, अब सीखेंगे भी हम जोर शोर से। ये मिश्राज के जूते गाड़ी में ही पड़े हुए हैं, रात को गाड़ी में ही सो गया। जी तो अभी हम निकले हैं घर से, अल्लाह कर। तो अभी जा रहे हैं, रास्ते में ही हैं, आपको भी दिखाते हैं रास्ता, हमारे गांव के रास्ते किस तरह के, पहले भी आप देख देख के थक चुके हैं, लेकिन अब हम गाड़ी से दिखाएंगे। तो चलते हैं फिर। मैं अभी गाड़ी में ही बैठा हूँ और भाई बाहर निकले हैं वर्कशॉप देखने के लिए कि किस वर्कशॉप से ठीक करवाएं, ये सर्विस यानी करवाएं गाड़ी की। तो अभी गाड़ी में अकेला ही हूँ, वर्कशॉप ढूंढ लें तो फिर देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है, क्या क्या इसका ठीक करवाना पड़ेगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम तो करवा रहे हैं, तो हमें तरह पता नहीं है कि सर्विस में क्या क्या चीज़ें ठीक करवाते हैं, वो तो मिस्त्री खुद ही कर देगा, मैकेनिक।
अभी भाई वर्कशॉप ढूंढ रहे हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन। वर्कशॉप हमें मिल गई है तो आपको भी दिखाते हैं कि काम क्या क्या होता है और कहाँ पर हो रहा है। तो ऑयल वगैरह गाड़ी का चेंज करवा लिया है, सर्विस तो नहीं हुई ना, सिर्फ ऑयल चेंज हुआ है। हाँ वो अब सर्विस करवाने जा रहे हैं, मतलब अच्छा। हम अभी धुलवाने जा रहे हैं, धोवन ऑयल यानी कि चेंज हो गया, अभी सर्विस स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ से इसको धुलवाएंगे और फिर आएंगे इधर, फिर थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें डलवानी, उन्होंने कहा कि पहले धुलवा के आए। जी गाइस, तो सुबह के निकले हुए थे हम और अभी टाइम हो चुका है 2:00 PM, सुबह 8 बजे के निकले हुए और ना हमने कोई खाना खाया है ना कुछ, भूख इतनी शदीद किस्म की लगी हुई है कि बता नहीं सकता। गाड़ी अभी भी धुल रही है, बहुत टाइम लिया इसने और अभी ये लेज लेके गुजारा कर रहे हैं, बाकी फिर घर जाके खाना खाते हैं। गाड़ी ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है, थोड़ा बहुत रह गया काम, गाड़ी धुल चुकी है और अभी हम आज गाड़ी सही हो गई सर। गाड़ी पता क्या ना, वो कहते हैं मूल नालो मुच्छा वड़िया, गाड़ी लेनी आसान है, गाड़ी रखनी बड़ी मुश्किल है। यही ना, चलानी बड़ी मुश्किल है। सर्विस करवाई उसके पैसे, फिर धुलवाई अब उसके पैसे, पता नहीं। और जितना इंतजार किया ना, मैं कहता बहुत पड़ रही है, कमाल है, धुल गई है। अब अभी चलते हैं वापस और मिठाई लेनी है, क्योंकि गाड़ी ली है तो मिठाई भी लोगों को बांटनी है अपने रिश्तेदारों वगैरह में, तो मिठाई लेते हैं उसके बाद फिर घर चलते हैं। तो सामान सारा हमने खरीद लिया है, सर्विस भी हो गई है, मिठाई भी खरीद ली है, सारा कुछ हो गया और हमें शाम हो गई है। इधर ही 5 तो नहीं अभी बजे, ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं। सारा दिन यानी सुबह आए थे और अभी घर जा रहे हैं, तो बस हो गई है ना, खाना खाया ना कुछ, इंतज़ार करना ना बहुत मुश्किल होता है किसी भी चीज़ का, तो बैठ के थक गया था बंदा। हम घर आ चुके हैं, अभी गाड़ी बाहर ही खड़ी है, अभी फिर कहीं जाने का प्लान उनका, मैं नहीं जाऊंगा, मैं थक गया हूँ सारा दिन गुजार के साथ, बस बैठ के ना बंदा बैठ ही गया है। और मिठाई वगैरह भी सारा कुछ आ गई है, तो व्लॉग एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपने वीडियो एंजॉय की होगी। हाँ पता नहीं, हाँ जी, तो कैसा आज की जर्नी रही सारा दिन की? घर आ गए और घर आए तो घर वाले ही नहीं है, घर में घर वाले ही नहीं है। ठीक है जी, व्लॉग एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।